कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी मुरादाबाद पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला और बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर मोदी पाकिस्तान को 11 दिनों में ध्वस्त करके भारत का हिस्सा बना सकते हैं तो कांग्रेस उनके इस फैसले में उनके साथ खड़ी है। वो आगे बढ़े, पाकिस्तान को शिकस्त दे, केवल जवानी बात ना करें, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ बोलते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये समझिए वो देश के लोगों को गुमराह करते हैं। दरअसल राशिद अलवी प्रधानमंत्री के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि पाकिस्तान को केवल 11 दिन के अंदर शिकस्त देकर अपने में मिलाया जा सकता है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर धार्मिक उन्मादी भाषण मामले पर जवाब देते हुए कहा कि ये सब भाजपा के द्वारा कराया जाता है। वहीं मुरादाबाद में 81 हिंदू परिवारों के पलायन मामले में बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी इस तरह का प्रोपगेंडा फैलाया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो समझे कि प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा का इसमें हाथ है। बसपा द्वारा किए जा रहे ब्राह्मण सम्मेलनों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बोले कि वो पार्टी 5 साल से पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के साथ खड़ी रही, बाहर उनके साथ खड़ी रही, अब ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली दौरे पर बोले कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय है इसलिए उनका आना जाना लगा रहता है और जहाँ तक सीट की बात है तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए आज 10 अगस्त है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में शुरू किया था और देश को आज़ाद कराया था। आज वही दिन मनाने के लिए, देश के लोगों को बताने के लिए मैं मुरादाबाद आया। कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी और आज वो लोग जो लखनऊ और दिल्ली में बैठ के देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते हैं वो उस वक्त उस मूवमेंट के खिलाफ खड़े, उस मूवमेंट के अंदर शामिल नहीं, चाहे आरएसएस हो या हिंदू महासभा। इसी प्रोग्राम में मैं मुरादाबाद आया। पंजाब के मुख्यमंत्री जो लखन यादव दिल्ली में एक बड़े बिंदु के साथ उसकी आपको चल रही है, समझौता नहीं बन पा रहा था। देखिए ये गलत है, कांग्रेस पार्टी में किसी तरीके की ऐसी ग्रुपबंदी नहीं है। जब राजनीति होती है तो हर एक का अपना अपना ग्रुप होता है, लेकिन वो सारे लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। सिद्धू भी पंजाब के अंदर कांग्रेस दोबारा सरकार बनाए इसके लिए कोशिश करेंगे और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं वो भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है मंत्रिमंडल में पंजाब की बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है, उसमें कहीं ना कहीं कैप्टन ठाकुर तुम्बे से नया निकल कर आने वाला है। देखिए ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, अगर वहाँ पे रिशफल होगा तो आने वाले चुनाव को देख के और पंजाब की जनता के सेंटिमेंट्स को देख के ही रिशफल होगा। तो क्या दिल्ली आज जाना जो है कैप्टन ठाकुर, क्या वो ऑफर करेगा कुछ नहीं करेगा? कैप्टन दिल्ली आते और जाते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप दिल्ली में रहती है तो कोई गाइडेंस लेने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए सारे मुख्यमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 11 दिन में पाकिस्तान को खत्म किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सिर्फ बोलते हैं, अगर 11 दिन में पाकिस्तान को लिया जा सकता है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री आगे बढ़े, जुबानी जमा खर्च ना करें, पाकिस्तान को शिकस्त दें, हिंदुस्तान में शामिल करें, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है वो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर अभी आपने कहा कि आप साथ में, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें हुई थी तो आप ये सवाल उठाने के लिए सामने आ गए थे कि सबूत नहीं है? प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे पास सबूत और हमने वीडियो बनाई है उसकी, तो अगर खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उसकी वीडियो मौजूद है तो कोई भी कह सकता है कि वीडियो दिखाइए, इसमें कहाँ कोई परेशानी की बात है। अगर आपने की है और आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है तो दिखाने में क्या है, दिखाइए। आप साथ खड़े हुए प्रधानमंत्री के, कांग्रेस साथ खड़ी हुई है। अगर आप 11 दिन में पाकिस्तान को जीतने की बात कर रहे हैं आपको आगे बढ़ना चाहिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, पूरी ताकत देंगे, लेकिन अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि आप जबानी जमा खर्च कर रहे हैं, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज
उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च करी, जिसमें हमने ये कहा है कि 1 करोड़ लोगों को जो है एलपीजी के फ्री कनेक्शन मिलेंगे, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी मैंने दुगना कर दिया, और एक महिला का इंटरव्यू लिया गया था जिससे ज़बरदस्ती कहलाया गया था कि हमारी आमदनी दुगनी हो गई है, और जब उससे एबीपी के चैनल ने पूछा तो उसने कहा कि ज़बरदस्ती का मेरी तो जो आमदनी थी वो भी ख़त्म हो गई है, और उसके नतीजे में वाजपेयी जो बड़े एंकर थे उनको एबीपी से निकाल दिया गया था। जंतर मंतर से कमजोर नारा निकला था, उसमें कुछ गिरफ्तारी और नहीं देखिए, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर होता है। पिछले 7 साल के अंदर जितनी नफरत इस सरकार ने फैलाई है ऐसा कभी नहीं। क्या नफरत फैलाने से राजनीति की जा सकती है? क्या देश को मजबूत किया जा सकता है? क्या हिंदू मुसलमान को लड़ाने से देश मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? लेकिन वो लोग, वो पार्टी जो सिर्फ सत्ता चाहती है वो इस तरीके के काम करती है। आप आज मुरादाबाद में हैं, यहाँ एक पलायन का प्रकरण चल रहा है पिछले 8 वर्षों से, 81 परिवार पलायन को मजबूर हैं ऐसा उन्होंने बैनर में लिखा है, कुछ मुस्लिमों ने मकान भेजे, उनका एक तरह का आरोप है। मैंने मुझे एक चैनल ने बताया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान भी मुझे दिखाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये गलत है। मेरा कहना है, मैंने तब भी कहा और आपके ज़रिए भी कह रहा हूँ कि मुरादाबाद के प्रशासन को उन सब लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, अगर गिरफ्तार नहीं करते तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में है उसका हाथ है। जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, जिन लोगों ने ये बोर्ड झूठे लगाए। यूपी में ब्राह्मण सम्मेलनों की बाढ़ है, सारी पार्टियां ब्राह्मणों को लगाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस किस तरह से देखती है? कांग्रेस पार्टी जनता को ब्राह्मण हिंदू मुसलमान में नहीं बांटती, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, 5 साल तक पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के साथ खड़ी रही, पार्लियामेंट के बाहर बीजेपी के साथ खड़ी रही, आज चुनाव के वक्त आके वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, उनकी असलियत प्रदेश को मालूम है। बीजेपी के आईटी सेल ने फोटो जारी किया है श्रीनगर के लाल चौक से, तिरंगा लगा है, एक पुराना फोटो लगा है कि कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान का झंडा लगता था, अब तिरंगा लगा हुआ, किस तरह देखते हैं आईटी सेल ने फोटो जारी किया? 50 साल तक राष्ट्रीय सेवक संघ के हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा नहीं लगा, इसका फोटो भी वो सोशल मीडिया पे डाले। ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मेन ऑर्गन है, देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 के अगले दिन एडिटोरियल में लिखता है कि तिरंगा झंडा देश को सूट नहीं करता, एस्ट्रोलॉजिकली ये देश के खिलाफ रहेगा, देश के लोग इसका कभी सम्मान नहीं करेंगे, वो एडिटोरियल सोशल मीडिया पे डालें। जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। राहुल गांधी आज एक दिन यात्रा पर विजयनगर में, क्या मैसेज जाएगा? राहुल गांधी हर उस जगह जाएंगे जहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है, जहाँ पे जुल्म हो रहा है, वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना है।